हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 10:30 बजे। आज मैं अभी अभी नहाई हूँ, थोड़ा लेट हो गई हूँ, बट मेरा काम हो गया है किचन का सारा। खाना वगैरह बन चुका है और हस्बैंड भी जा चुके हैं बैंक। मैंने आज खाने में बनाया है कढ़ी चावल रोटी बस, और ज्यादा कुछ नहीं बनाया। थोड़ा सा लेट उठी थी मैं, बिकॉज आज आयना और यशी की है छुट्टी, तो इसलिए मैं लेट उठी हूँ। 7:30 बजे उठी हूँ आज सुबह, जल्दी नहीं उठी हूँ। तो अभी नहाई हूँ हस्बैंड के जाने के बाद, खाना मैंने ऐसे ही बनाया था। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी चाय बनाने के लिए, तो आप सभी को भी ले चलती हूँ किचन में। मॉर्निंग का जो खाना था वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, लेकिन चाय जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए मेरे साथ, लाइट कर लेते हैं ऑन और चाय बनाना शुरू करते हैं। पूजा मेरे हस्बैंड कर गए हैं, तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि लेट भी हो गया है, 10:30 बज गए। मॉर्निंग में पूजा हो गई है। आपको उससे पहले दिखा देती हूँ मैंने खाने में क्या बनाया। कढ़ी चावल रोटी देख लीजिए आप, उसके बाद चाय बनाते हैं। ये है मेरी कढ़ी, ये है चावल, दूध भी गर्म हो गया है। दूध रात में बच गया था तो मैं इसकी चाय नहीं बना रही हूँ, उसमें डाल दे रही हूँ जामुन दही जमने के लिए, क्योंकि मुझे रात के दूध की ना चाय पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसका जामुन जमा दूंगी, जामुन डाल के दही जमा दूंगी। और एक प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं मेरी गैस में क्या कि बहुत स्लो जल रही है, तो इसे भी बनवाना पड़ेगा। पता नहीं क्या हो गया, मैंने दिन इसमें डाल दिया था पानी धुलने के लिए, काफी गंदे दूध गिर गया था तो वो जम गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया था पानी कि ये फूल के अच्छे से साफ हो जाएगा, और उसके बाद ये धीमी चलने लगी है, तो इसको भी बनवाना पड़ेगा। हस्बैंड को टाइम ही नहीं मिल रहा है, अब जब टाइम मिलेगा तब बनवाएंगे। मैंने कढ़ी बनाई थी ना सुबह, तो ये पकौड़ियाँ भी बनाई थी मैंने, आयना ऐसी को तो खिला दिया है, थोड़ी सी मैंने अपने लिए रख ली थी, तो चाय के साथ मैं ये भी लूंगी। अब कर देते हैं ऐड इसमें। एंड अगर हम लोग जल्दी उठ जाएं मॉर्निंग में तो ठीक है, बट मेरा तो मुश्किल है कि मैं मॉर्निंग में जल्दी चाय अपनी ले पाती हूँ, बिकॉज मॉर्निंग में मुझे, मेरे पास क्या, लगभग सब हाउसवाइफ का यही हाल होता है, उनके पास मॉर्निंग में इतने काम होते हैं कि वो सबसे पहले अपने ये काम से फ्री होती हैं, बाद में ही अपने ऊपर ध्यान दे पाती हैं चाय वगैरह के लिए। तो ऐसे ही मेरा भी यही हाल है। एंड वैसे आयना और यशी को तो इनके पापा ही नहलाते हैं, तैयार करते हैं स्कूल के लिए, बट इनकी आज छुट्टी थी तो ये, और मॉर्निंग में लेट भी उठे हैं सब लोग, तो ये लोग नहाए भी नहीं थे, तो मैंने इनको अभी नहलाया, यशी को नहला दिया और आयना को भी नहला दिया, तो अभी इन्हें रेडी कर रही हूँ। मेकअप हो रहा है क्या आपका? हाँ। दिखाना फेस अपना इधर। ओहो, कर लो मेकअप, कर लो दीदी आप भी। ओहो, आपने हेयर वॉश किया है क्या? हाँ। अच्छा चलो आप भी कंघी कर लेना। मेरे बाल काफी बड़े हैं, मेरी मैम कहती है। मैम कहती है? हाँ, लेकिन मेरे बाल ट्यूशन वाली नहीं, स्कूल वाली। क्या बोलती है? माय लॉन्ग। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दोनों अगर घर में रहेंगी साथ में तो बस लड़ाई ही होती रहेगी। तो आयना ने बाल कवर किए थे टॉवल से, तो यशी मैडम भी कह रही है कि सेम मेरे भी वैसे ही कवर करो, और खीरा कटवाया मुझसे। मम्मा खीरा खाओ। क्या करोगी? कुछ नहीं, दे दो। इसलिए मांगा था तुमने खीरा? नहीं मम्मा। ओहो, इन मैडम को तो देखो, ठीक है। ये
ये देखो, ये यहाँ पे हीरोइन बन रहे हैं ये लोग। ये लो, इनका गिरा जा रहा है बार बार। ये मैडम लेटी हुई है खीरा लगा करके, और यहाँ ये भी लेटी हुई है खीरा। दिखा दो, दिखा दो। चाय कप की चढ़ी हुई थी तो अब देखिए ज्यादा पक भी गई है, और मुझे अब मिला है टाइम चाय पीने का, इन लोगों की वजह से बहुत लेट हो गया। यशी आप छोटे हो ना, आपको दीदी की बात माननी चाहिए। सबका मुंह दिख रहा था लेकिन तब भी मुझे देखने नहीं दे रही थी। यशी आपकी मुंह दिख रहा था, ऐसा नहीं था, ये देख नहीं पा रही थी। यशी आप क्यों लड़ाई करते हो बताओ? पहले बताओ आपको दीदी की बात माननी चाहिए कि नहीं? मम्मा मैं बताती हूँ, चलो। नहीं मुझे नहीं जानना, यहीं बैठे रहो बस। गंदी। यशी बताओ दीदी की बात माननी चाहिए कि नहीं आपको? नहीं मानना। तो आप बैड गर्ल बनना चाहती हो? बोलो। नहीं। फिर मैंने बोला है ना बड़े लोगों की बात छोटे लोग मानते हैं। हाँ। बताओ मानोगी कि नहीं? जल्दी बताओ, बात मानोगी दीदी की कि नहीं मानोगी? मानूंगी। पक्का प्रॉमिस करो। हाँ। मैं नहीं प्रॉमिस। नहीं करोगी प्रॉमिस? नहीं। क्यों नहीं? इसका मतलब नहीं मानोगी? मानूंगी। तो प्रॉमिस क्यों नहीं कर रही? मानना है। मन नहीं है प्रॉमिस करने का? करो प्रॉमिस, ऊपर करो, नजर मिलाओ, नजर मिला बात करो। बताओ बड़े लोगों की बात मानते हैं कि नहीं? नहीं तो किसकी बात मानते हैं? हाँ आ? कोई किसी की बात नहीं मानता, ये तो गंदी बात होती है। कोई किसी की बात नहीं मानेगा तो सब लोग गंदे हो जाएंगे। मैं लगा लेती हूँ आटा रोटी बनाने के लिए, 11 बज गए अभी। घर के काम करने के साथ इन दोनों को संभालना, बच्चों को संभालना, वो भी एक नहीं दो दो, मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क रहता है सारे दिन के लिए। और सच में स्कूल जब ये लोग चली जाती हैं तो थोड़ी देर के लिए ही सही, बट मैं काफ़ी रिलैक्स रहती हूँ 12-1 बजे तक, और उसके बाद तो सारा दिन वही चालू इनका रहता ही है। बस मुझे भी वो जो टॉयस आयना लेगी सेम, यशी को भी वही चीज़ चाहिए, सेम चीज़ें करनी है, उसे भी बहुत शैतानी करती हैं। आई होप आप सभी को मेरे व्लॉग बहुत पसंद आ रहे होंगे, और जो भी न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल में आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स आप सभी को पसंद आ रहे हैं। और ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए, वीडियो को शेयर लाइक करते रहिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, लेकिन मैं ऐसे ही रोज़ इंटरेस्टिंग व्लॉग लाती रहूँगी आप सभी लोगों के लिए। तो मेरे न्यू व्लॉग देखने के लिए आप ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। बच्चा आप जीत गए, मैं हार गई।